हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली 8A। ये हम डॉक्टर मनोहर रे की जो आपकी किताब आती है हाई स्कूल में, उसके हम आपके ये सॉल्यूशन लेके आए हैं। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आपको सबसे पहले आपको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने आपको सभी इंट्रोडक्शन बता रखा है कि कैसे किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको ओनली क्वेश्चन आपको समझाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें आपको हाई स्कूल क्लास 10th से आपको मिल जाएगा। उसमें आपको पहला वीडियो उसको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको हर चीज़ आपको समझ में आए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका प्रश्नावली 8A का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक त्रिभुज ABC में, कोई आपका त्रिभुज है ABC में, कोण B आपका कितना है 90 डिग्री है, और आपको दे रखा है कि AB बराबर आपका 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है। हो तो साइन ए का मान निकालना है, कोसे का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है। इन तीनों के आपको मान निकालने हैं। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है जो आपका समकोण त्रिभुज होगा। आप इसको इस तरीके से बनाइए या फिर इसको इस तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों आपके सेम ही होंगे। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में, अब आपको ABC नाम देने हैं। उसके लिए भी ये आपको हिंट देगा, क्या देगा हिंट आपको, कोण B आपका 90° है, या फिर लिखा होगा कि कोण B आपका समकोण है, कोण A आपका समकोण है, कोण C आपका समकोण है, कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कोण B आपका 90° है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण B आपका, देखो यहाँ पर 90° आपका कौन सा, ये है आपका 90° का कोण, इसके अंदर कोण B आपका कितना है आपका 90° है। अब देखिएगा क्या दे रखा है इन्होंने, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आपकी इच्छा है A इसको दे दो, सी इसको दे दो, या फिर इसको ए दे दो, या इसको सी दे दो। हम इसको ए दे देते हैं, इसको दे दी हमने नाम ए, इसको दे दी हमने नाम सी। अब देखिएगा कि हमने सबसे पहले नाम दे दिया ABC। अब देखो आपको क्या दे रखे है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, जो आपकी AB है इसका मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे सकते हो, इसका मान आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है कि BC का मान 12 सेंटीमीटर है, बी और सी, ये आपकी BC का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये आपको 12 सेंटीमीटर है। तो आप देखिएगा इसके अंदर ये आपका BC हो गया, ये आपका AB हो गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये वाली भुजा निकाल ली। तो आप जानते हो कि 90° के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण। और ये भुजा आप कैसे निकालोगे, आपको होता है आपने प्रमेय आपने पढ़ी थी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, आपको यहीं पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, आप लोग ने सबने पढ़ा था, क्या होता है आपका कर्ण का वर्ग प्लस बराबर होता है आपका आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। तो आप देखोगे यहां पर क्या लिखोगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग को। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो। कभी कभार आपके बुक्स में क्या लिखा होता है, देखिएगा जो आपका कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण आपकी रियल में है क्या आपका AC का वर्ग, और यहां पर आपको लंब का वर्ग आपको दे रखा होगा क्या BC का वर्ग, और आधार का मतलब दे रखा होगा क्या AB का वर्ग। इस तरीके से आपके एग्जाम्पल सोल्व हैं। तो यहां पर आप सिंपल से आप लगाइएगा K² बराबर L² प्लस A², तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, कर्ण की। तो K का मान ही आपको निकालना है, तो यहां पर लिखोगे K² बराबर। आप देखिए लम क्या है आपका, लम अभी आप कुछ भी मान सकते हो, इसको मान लो या फिर इसको, क्योंकि आपको पता है एक्सचेंज होते रहते हैं। तो अभी हमने मान लिया ये आपका लम है 12 का स्क्वायर, प्लस आधार आपका कितना है 5 का स्क्वायर। तो आप देखिएगा 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 169। ये आपका किसके बराबर चल रहा है, K² के बराबर। इधर देख लेते हैं इधर साइड में, तो K² बराबर आपका कितना आ गया है 169। तो K बराबर आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट में 169। ये आपका प्लस माइनस में लेना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। तो K बराबर कितना आ जाएगा 13। तो K का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो इस भुजा को सबसे पहले आपको निकालना चाहिए। देखो सबसे पहला क्या काम होता है कि एक त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दोगे 13 सेंटीमीटर। तो आपने देखो
इस तरीके से पहले तीनों भुजाएं आपको निकालनी है। अब देखते हैं कि क्या क्या आपको स्टार्टिंग में लिखना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जो आपको दे रखा उसके बारे में पहले लिख लेते हैं कि कोण बी का मान कितना है आपका 90 अंश है। और आपको क्या दे रखा है? एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोमा आपको दे रखा है बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखा है। अब देखिएगा क्या होगा कि ये सब आपको दे रखा है, इससे आपने K का मान निकाल लिया, मतलब कि कर्ण आपने निकाल लिया, आपने AC का मान निकाल लिया। लिखना चाहो लिखो, नहीं तो आपने इस तरफ आपने लिखी दी, जिस तरफ आप ट्रायंगल में ना उसके नीचे भी आप ये कर सकते हो। अब देखो आपको निकालना क्या है, साइन ए, कोसे और टेन ए। तो आप देखते हैं साइन ए का मान कैसे निकाला जाएगा। तो आप देखिएगा साइन ए और किसका निकालना है आपको? कोसे का। और आपको किसको निकालना है? टेन ए का। अब आपको हमने एक फार्मूला सिखाया था जिससे आपको याद आ जाएगा। क्या आपने सीखा था? देखिएगा, लाल बटे कक्का, इससे आपको बहुत जल्दी याद होते हैं। कैसे? आप देखिएगा कि जो आपका एल बटे के होता है ये आपका साइन होता है, ए बटे के होता है वो आपका क्या होता है? कोस होता है। एल बटे ए होता है ये आपका क्या होता है? टेन होता है। तो आप देखो साइन ए मतलब कि आपको चाहिए क्या? लंब बटे कर्ण। इसका फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और जो कोसे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और जो आपका टेन ए होगा वो आपका क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब देखिएगा क्या होगा आपका, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें ये एंगल देखना है कि कौन से एंगल की बात हो रही है। यहां पर आपका एंगल दे रखा है ए, यहां पर भी आपको एंगल दे रखा है ए, यहां पर भी आपको एंगल दे रखा है ए। तो इन सभी एंगल मतलब किसकी बात हो रही है? ए एंगल की। ये वाला ए एंगल है। तो इस एंगल, अब इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल के आपको क्या देखना होता है? इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा आपकी हमेशा क्या कहलाएगी? लंब। और आपको होता है 90 अंश के सामने वाली भुजा ये आपकी कर्ण कहलाती है। ये तो आप अभी थोड़ी देर पहले सीख चुके हो। और आपको होता है जब कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो आपका जो बचा है वो आपका क्या होगा? आधार। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आपको सबका मान पता है, अब रख दीजिएगा। आप देखो लंब का मान आपके पास कितना है? आपके पास 12 सेंटीमीटर। और आपका कर्ण कितना है? आपके पास 13। अब देखिए सेंटीमीटर ऊपर भी नीचे भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट जाता है, इसीलिए इसकी कोई भी आपका मात्रक नहीं आता, इसलिए इसको कहते हैं 12/13। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कोसे का मान, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपके पास? 5। और कर्ण कितना है आपके पास? 13। ये आपका आंसर। अब देखिए टेन ए कितना है आपका, टेन ए का मान कितना है? आप देखो टेन ए आपका क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है आपके पास? 12। आधार कितना है आपके पास? 5। इस तरीके से आप तीनों मान आपने निकाल लिए, साइन ए, कोसे और टेन ए। इसी प्रकार से आगे भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, त्रिभुज एबीसी में कोण बी आपका समकोण है, भुजा एबी बराबर 4 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर है और सीए बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, टेन ए, कोस सी और कोट सी के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले आप देखिएगा इसके अंदर क्या दे रखा है कि कोण बी आपका समकोण है, कोण बी आपका क्या है? समकोण है। तो आपका समकोण कोण आपका ये होता है, तो इसका ये 90 डिग्री होता है, तो ये आपका क्या हो गया? समकोण। अब आपकी इच्छा है कि ए इसको दे दो, सी इसको दे दो, तो हम यहाँ पे इसको ए दे देते हैं और इसको दे देते हैं कोण को सी नाम दे देते हैं। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर। और जो आपकी बी सी है वो कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। बी से लेके सी आपको कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है सी ए का मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। जो आपका सी ए है इसको दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। तो मतलब कि क्या हुआ कि इस वाले सवाल में आपको तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तीनों भुजाएं दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि कोई दो भुजाएं दे रखी होती हैं और यदि हमें तीसरी भुजा निकालनी होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, अन्यथा इस स्थिति में लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब तीनों भुजाएं पता है तो सीधा सीधा आप मान निकाल सकते हो। अब देखते हैं क्या मान पूछा है आपसे। पहले आप लिखोगे जो आपको यहां पर आपने लिखा है उसको पहले लिखोगे यहां पर, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखोगे आप? सबसे पहले कोण बी आपका समकोण है, मतलब कि कोण बी आपका 90 अंश है। और आपको क्या दे रखा है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है
और बी सी बराबर आपका 3 सेंटीमीटर है और आपका सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों मान आपको दे रखे हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछा क्या गया है। इन सब के मान आपको पूछे गए हैं, इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है क्या, साइन ए, इसको इधर लिखते हैं थोड़ा, उधर आपका आ जाए साइन ए, इसको आपको निकालना है। सेकंड नंबर से आपसे पूछा है क्या, टेन ए निकालना है आपको। और थर्ड नंबर पे आपसे पूछा है क्या, कोस सी निकालना है आपको। और आपका और क्या पूछा है आपका, कोट सी निकालना है। इन तीन वैल्यू को आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपने एक ही फॉर्मूला सीखा है, क्या सीखा है आपने फॉर्मूला, लाल बटे कक का, उससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, एल ए एल बटे के ए। तो इससे आपको सीधा सीधा याद होता है क्या कि पहला वाला जो लंबटे कर्ण होता है वो आपका क्या होता है, साइन, और जो दूसरा होता है वो आपका कोस, तीसरा होता है जो आपका टेन होता है, और इन्हीं का सब उल्टा भी हो जाता है। जैसे कि देखो, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। यदि आपको अब भी डाउट हो रहा है तो आप पहला वाला वीडियो देखिएगा जिससे आपको ये सभी आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो पहला वीडियो आप जल्दी से देखिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखते हैं पहले साइन ए बराबर आपको क्या होगा, आपका लंब बटे कर्ण, इसको लिखते हैं लंब बटे कर्ण। टेन ए क्या होगा आपका, लंब बटे आधार। आपको बहुत जल्दी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप तुरंत बताओगे। कोस सी बराबर कितना होगा, आधार बटे कर्ण। और अब देखिए कोट सी, कोट सी क्या होगा आपका, जो आपका टेन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब इंपॉर्टेंट है क्या, अब आपको एंगल देखने हैं। साइन ए, इसके लिए आपको कौन से एंगल का यूज हो रहा है, ए एंगल का यूज। तो ए एंगल ये है। अब जब ये ए एंगल है तो देखो, आपको एक चीज आपकी डिपेंड होती है कि आपका कर्ण क्या होगा। जो आपका 90 अंश के सामने होता है वो आपका हमेशा 100% आपका कर्ण ही कहलाता है। तो ये तो आपका हर एक कंडीशन में आपका कर्ण होता है, कर्ण आपकी होती सबसे बड़ी भुजा, ये तो क्लियर हो जाता है। अब बात आती ए एंगल के लिए क्या चीज अलग होता है। देखो, ये आधार और लंब आपस में एक्सचेंज होते हैं। वो कैसे एक्सचेंज होते हैं, जैसे यदि हम इस ए एंगल की बात करते हैं तो इसके सामने वाला आपका लंब होगा और ये होगा आपका आधार। यदि हम इस सी एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला ये लंब बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, आधार। अभी कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार दोबारा देखिएगा। जो आपका ए एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला आपका लंब होगा और ये आपका क्या होगा, आधार। कर्ण हमेशा दोनों में सेम ही रहते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन ए, मतलब कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए लंब चाहिए, क्या चाहिए हमें, लंब। तो इस ए के लिए आपका लंब क्या होगा, आपका तीन। तो इसको आप क्या लिख लोगे, सबसे पहले तीन, लंब कितना आ गया आपका तीन, और कर्ण तो आपका कितना है, पांच है। तो ये आपका आंसर हो गया पहले का। अगला देखिएगा टेन ए, टेन ए किस एंगल की बात हो रही है, ए एंगल की बात हो रही है, मतलब कि इसी एंगल की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, लंब। तो इसके सामने वाला आपका क्या होगा, लंब। तो ये आपका क्या बन गया, तीन आपका क्या हो गया, लंब। आधार कितना होगा, जब ये लंब बन गया है तो ये वाला आपका क्या बनेगा, आधार। चा बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे। अब देखिए लास्ट वाला, अब आपका तीसरा वाला क्या है आपका, कोस सी बराबर ए बटे के, मतलब कि कोस सी, कौन से एंगल की बात हो रही है, अब ए एंगल की बात हो रही है, तो सी एंगल की बात हो रही है, तो सी एंगल कौन सा है आपका, ये है। तो सी एंगल आपका ये है। तो अब इसके लिए इसके सामने वाला ये भुजा आपकी क्या बन जाएगी, लंब। तो और जब ये लंब बन जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, आधार। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, ये आपकी क्या बन गई, ये लंब। किसके लिए, सी एंगल के लिए, किस एंगल के लिए, सी एंगल के लिए, और ये क्या बन गई आपकी, आधार। ये बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मान एक्सचेंज हो जाते हैं, इससे बहुत ही अंतर होता है। तो सी एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला आपका क्या होगा, ये लंब। तो लंब आपका कितना हो गया यहां पे, कोस सी, यहां पे आधार की जरूरत है, तो आधार इसके लिए कितना है, तीन, और कर्ण कितना है आपका, पांच। तो ये आपका आंसर हो गया। अब फिर कोट सी की, मतलब कि किस एंगल की बात हो रही है, सी एंगल की बात हो रही है, मतलब कि इसी एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला हमेशा लंब रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, आधार, और ये आपका क्या रहेगा, कर्ण। तो आपको पहले चाहिए क्या, आधार। आधार कितना है इसके पास, तीन, लंब कितना है इसका, चार। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा ये इस तरीके से, ये आपको चारों आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आपका समकोण है, यदि पी क्यू बराबर अंडर रूट थ्री हो, पी आर बराबर वन हो तथा क्यू आर बराबर टू हो, तो
साइन क्यू, कोस क्यू, टेन आर और साइन आर के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा इसके अंदर कौन आपका समकोण दे रखा है, कोण पी आपको दे रखा है, समकोण है। तो यहाँ पर इस कोण को क्या दोगे, पी, तो ये आपका कोण दे रखा है, समकोण है। और आपको क्या दे रखे है, पी क्यू। अब देखिए जब आपने पी इसको नाम दे दिया है तो आप क्यू इसको नाम दे सकते हो, आर इसको नाम दे सकते हो। तो इसको नाम दे दिया हमने क्यू और इसको दे दिया हमने आर। देखो आर इधर कर सकते हो और क्यू को इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। आप देखिएगा आपको क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर अंडर रूट थ्री, पी क्यू बराबर आपको दे रखा है अंडर रूट थर्ड, अंडर रूट थ्री आपको दे रखा है, और पी आर बराबर आपको दे रखा है वन, पी आर बराबर आपको दे रखा है वन। और आपको क्या दे रखा है, क्यू आर बराबर टू, क्यू आर बराबर आपको दे रखा है टू। तो मतलब कि आपको इसमें भी आपको सभी मान दे रखे हैं। तो देख सकते हो कि इसमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं, ये वाली भुजा भी दे रखी है, ये वाली भुजा भी दे रखी है और ये वाली भुजा भी दे रखी है। तो आपसे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा है साइन क्यू, कोस क्यू, टेन आर और साइन आर के मान आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको दे रखा है कोण पी आपका समकोण है, मतलब कि कोण पी का मान आपका कितना है, 90 अंश है। और आपको दे रखा है पी क्यू बराबर अंडर रूट थ्री, पी क्यू बराबर अंडर रूट थ्री कोमा पी आर बराबर वन कोमा क्यू आर बराबर आपको दे रखा है टू। तो ये सब आपको दे रखे हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया इन सबको लिखते हैं, पहले इन सबको हम पहले लिखते हैं क्या क्या आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है साइन क्यू, और आपसे क्या पूछा है, कोस क्यू, और आपसे क्या पूछा है, टेन आर, और आपसे क्या पूछा है यहां पर, साइन आर। इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले अपना पुराना वाला तरीका कि लाल बटे कक्का से इन सबको लिखेंगे पहले, एल ए एल बटे के ए। ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है याद करने की। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है आपका, जो आपका L बटे के होता है और जो A बटे के होता है और जो L बटे A होता है, देखो पहला होता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। तो देखिए आपको साइन क्यू चाहिए, मतलब साइन कितना होता है आपका, लंब बटे कर्ण, तो ये आपका लंब बटे कर्ण। कोस क्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका आधार बटे कर्ण। और आपका टेन कितना हो जाएगा, आपका लंब बटे आधार। जो साइन होगा वो आपका क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इस तरीके सबको पहले लिखना है। अब देखिए किस कोण की बात हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी, किस कोण की बात हो रही है, क्यू कोण की, यहाँ पर भी क्यू कोण की। तो क्यू कोण के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम किसी और की बात करेंगे। तो क्यू कोण आपका कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसके सामने वाला, इस कोण की बात हो रही है तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। तो इसको डायरेक्टली शॉर्ट में लिखते हैं आप, इसको कहते हैं लंब, इस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जब ये लंब है और ये तो आपको बताइए कर्ण होगा आपका, और ये आपका क्या होगा, आधार। किस कोण के लिए, क्यू कोण के लिए। इसके सामने वाला लंब बन गया, ये आधार बन गया और ये कर्ण बन गया। अब आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा कि किस किस की जरूरत है। लंब कितना है आपके पास, देखिए वन, कर्ण कितना है आपके पास टू, तो ये आपका आंसर। किसकी बात हो रही है आपकी, क्यू कोण के लिए, इसमें भी क्यू कोण की बात हो रही है, इसलिए आधार इसका कितना होगा, रूट थ्री। कर्ण कितना हो गया आपका टू, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं आर के लिए। अब हम देखो अब इसको इरेज कर देंगे, किसको इरेज कर देंगे, इनको, क्योंकि अब किसकी बात होगी, देखो इनको सबको हटा देते हैं। किस कोण की बात हो रही है, अब आर कोण के लिए इस एंगल की बात होगी, अब इसको भी हटाना पड़ेगा, और कर्ण आपका एक ही रहता है। अब इस कोण की बात हो रही है तो इसके सामने वाला ये आपका लंब बन गया, और तब ये आपका क्या बन जाएगा, आधार। ये अंतर होता है आपका। अब आपको अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अब इसके सामने वाला ये लंब बन गया और ये आपका क्या बन गया, आधार, कर्ण, तो आपका यही था। अब देखिएगा टेन आर का मान चाहिए, आर एंगल की बात हो रही है, किस एंगल की बात हो रही है, आर के लिए। लंब कितना है इसके लिए, आर के लिए लंब है आपका रूट थ्री। आधार कितना है आपके लिए, आधार है इसका वन, तो ये आपका आंसर हो गया, ये वन है आपका। इधर देखिए साइन आर, साइन आर के लिए लंब कितना है आपके, लंब है रूट थ्री। कर्ण कितना है आपके पास टू, तो ये आपका टू हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो अब आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से क्या आपके डाउट होते हैं। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी आपका ऐसा ही है कुछ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या है, आपका देखिएगा समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसमें, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी आपका समकोण है। यदि भुजा ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24 हो तो साइन बी का मान निकालिए,
टेन वी का मान निकालिए और कोसे का मान आपको निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपको इसके अंदर कौन सा आपको समकोण दे रखा है, कोण सी आपका समकोण है। तो आपको ये बार देखिए, देखो ट्रायंगल आपकी बार हमने इस तरीके से बनाया है जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए, हमेशा उस तरफ उस तरीके से बनाते तो आपकी बार इस तरीके से बनाया है। तो आप देखिए इसके अंदर समकोण आपकी बार ये आपका 90 डिग्री, तो समकोण आपकी बार कौन सा दे रखा है आपको, कोण सी आपको दे रखा है, समकोण है। तो इस एंगल को क्या दोगे आप, नाम सी। आप देखिए ए इसको दे सकते हो, बी इसको दे सकते हो, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। आप देखिएगा आपको क्या दे रखा है कि ए बी बराबर 26, ए बी बराबर आपको दे रखा है 26, और आपको दे रखा है ए सी बराबर 10, ए सी बराबर आपको दे रखा है 10, और आपको दे रखा है बी सी बराबर 24, बी सी ये आपका है बी सी, बी सी बराबर आपको दे रखा है 24। तो आपने देखा कि आपको सबकी भुजाओं के मान आपको दे रखे हैं, तीनों भुजाओं के मान दे रखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगानी नहीं है, तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा मान आपको निकालना है। तो उसके पहले आपको लिख लेते हैं त्रिभुज एबीसी के बारे में आपको दे क्या रखा है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको दे रखा है कोण सी आपका समकोण है, कोण सी आपका दे रखा है 90 डिग्री है, और क्या दे रखा है ए बी 26, ए सी 10 और बी सी 24। आप चाहो तो लिखना चाहो लिख लिए या करो शेडिंग में, ए बी बराबर 26, ए सी बराबर आपको 10 और बी सी बराबर आपको दे रखा है 24। अब देखिए आपको निकालना क्या है, साइन बी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है आपको, साइन बी का। तो इसको इधर लिख लेते हैं, साइन बी का निकालना है आपको, और आपको किसका निकालना है, आपको साइन बी का निकालना है और टेन बी का निकालना है, टेन बी का निकालना है, और आपको किसका निकालना है और कोस ए का निकालना है। तो इधर नीचे लिख लेते हैं कोस ए, इनके मान आपको निकालने हैं। तो उसके लिए हमने आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या फार्मूला याद लिखा रखा है, लाल बटे कक्का, एल ए एल बटे के ए। तो इस तरीके से आपने याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका होता है आपका, तो इसको एल बटे के, ए बटे के और एल बटे ए, ये आपका साइन कोस और टेन होता है। तो देखिए साइन बी बराबर क्या होगा, आप देखे होंगे, तो साइन बी बराबर आपका क्या हो जाए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। टेन बी आपका क्या हो जाए, बी आपका क्या होता है, सॉरी टेन के लिए आपका क्या हो जाए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोस ए के लिए आपका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बात आती है इन एंगलों की, किसकी, एंगल्स की। तो अब एंगल देखिएगा, कोण बी की बात हो रही है, किस बात की हो रही है आपकी, कोण बी की, यहाँ पर टेन बी की और यहाँ पर कोस ए की। तो यहाँ पे आप देखिए बी एंगल की बात हो रही है, किस एंगल की बात हो रही है, बी एंगल। तो बी एंगल आपका कहाँ पर है, ये है आपका बी एंगल। अब जब आपका ये बी एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, लंब। तो इसके सामने वाली भुजा ये आपकी, तो इसको शॉर्ट से डिनोट कर लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, लंब। और इसके लिए आपका आधार ये बन गया, थोड़ा ये अलग है, इसको अलग से समझिएगा, ये आपका आधार बन गया। जब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया कर्ण, आपको पता है सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी जो 90 अंश के सामने वाली होती है, ये आपकी क्या होती है, कर्ण। तो आप देखिएगा आपको क्या क्या चाहिए था, बी एंगल के लिए आपको लंब चाहिए था और आपको कर्ण चाहिए था। तो आपको लंब मिल गया, लंब आपका कितना है, टेन है, तो इसको लिख दीजिए टेन। कर्ण आपका कितना है, 26 है, 26 लिख दीजिएगा। और आप देखिए आपका कुछ कट रहा है, आपका 2 के टेबल में 10 भी आता है और ये आपका 26 भी आता है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5/13। 2 से कट के आपका 5 और एक 2 से कट के आपका 13 हो गया है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5/13। अगला देखिएगा, टेन बी बराबर लंब बटे आधार। तो बी एंगल की बात हो रही है, तो इसी एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला आपका लंब होगा और ये आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। तो लंब आपका कितना है, 10, तो आप लंब लिख दोगे 10। आधार कितना है आपके पास, 24, तो 24 आप लिख दोगे आधार। ये आपका कट रहा है आपका, तो देखो कि यहाँ पर आपका 5 और ये आपका 12, तो कितना आ जाएगा, 5/12, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात आती है कोस ए, ये गलती नहीं करना, आपको बी एंगल नहीं पूछा आपकी, और क्या पूछा है आपको, ए एंगल के लिए, किस एंगल के लिए बात हो रही है, इस एंगल के लिए। तो अब इस एंगल के लिए इन सबको हटाना पड़ेगा, इसको भी हमने हटा दिया और इसको आधार को भी हटा दिया, इसको भी लंब को भी हटा दिया। अब देखिए कर्ण तो आपका सेम रहेगा, अब देखो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, लंब। अब की बार ये जो आधार था वो लंब बन गया, जो आपका लंब था वो आपका क्या बन जाएगा, आधार। इस एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है, ये आपकी आधार और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। तो आप देखिए इसके लिए आप ए एंगल की बात हो रही है, तो इसी एंगल की बात हो रही है, तो आधार इसके लिए कितना हो गया आपका, टेन। तो आधार लिख दोगे आपका कितना है, टेन। कर्ण कितना है आपके पास, इसका 26, तो ये भी आपका कट रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5/13, क्योंकि आपका ये 2, 5 से कट गया और ये आपका 13। इस तरीके से इन तीन ही वैल्यू के आपसे पूछा था, साइन बी का पूछा था, टेन बी का पूछा था और कोसे का, इन तीनों का मान हमने निकाल लिया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, ये भी आप देख लीजिए, ये बिल्कुल आपका सिंपल है, ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में कोण बी आपका समकोण है, कोण बी आपको दे रखा है कितना है आपका, 90 डिग्री।
तो इसको देखते हैं, कोण बी आपको दे रखा है 90 डिग्री, और आपको ए बी सी किसको मान सकते हो, ए इसको नाम दे दिया, बी आपका है ही ऑलरेडी, इसको दे दिया सी नाम। अब देखिए ए बी और बी सी का मान 1 सेंटीमीटर है, ए बी और बी सी का मान 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि ए बी का भी मान 1 सेंटीमीटर है और बी सी का भी मान आपका 1 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर इसको लिख दोगे 1 सेंटीमीटर और बी सी बराबर भी लिख दोगे आप 1 सेंटीमीटर। और आपको और क्या दे रखे कि ए सी बराबर अंडर रूट 2 है, ए सी बराबर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है। फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी, क्योंकि आपको तीनों भुजाएं दे रखी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे क्या किस किस का मान पूछा है, साइन ए का निकालना है, टेंसी का निकालना है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या त्रिभुज एबीसी में आपको क्या लिखना है, आपको कोण बी बराबर आपको दे रखा है कि कोण बी आपका समकोण है 90 अंश है, और आपको दे रखा है ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, और ए सी आपको दे रखा है कितना है आपका अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। सब कुछ दे रखा है, अब आपको निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है। इसको देखिएगा, साइन ए का मान निकालना है और किसका निकालना है आपको, टेन सी का मान निकालना है, इन दोनों के मान निकालने हैं। उसके लिए आपको फिर आपको लंब बटेखंड की लाल बटे का कई जरूरत होगी, तो इसमें देखिएगा साइन आपका लंब बटेखंड होता है, तो इसको लिख दोगे लंब बटेखंड, और जो आपका टेन होता है वो लंब बटे आधार होता है, इसको लिख दोगे लंब बटे आधार। अब बात आती है किस किस एंगल की बात हो रही है, उन एंगल को देख लेते हैं। एंगल ए की बात हो रही है, मतलब कि एंगल ए आपका कौन सा है, ये अब इसके सामने वाला आपका ये लंब बन गया, ये आपका आधार बन गया, और ये आपका क्या बन गया, कर्ण। तो डायरेक्टली आप समझ में आ गया, लंब इसके लिए ए एंगल की लंब कितना है आपका 1, कर्ण कितना है आपके पास अंडर रूट 2, ये आपको समझ में आ गया। टेन सी किसका, टेन सी का मान आपको निकालना है, टेन सी के लिए आपको क्या करना है कि आपको सी इस एंगल की बात करनी है, तो इसके सामने वाला आपका ये लंब बन जाएगा आपकी बार, और ये क्या बन जाएगा आधार, और ये आपका क्या बनेगा कर्ण। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल काम है, क्या इसमें लंब और आधार बदलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी लंब और आधार का मान दोनों का मान सेम है, यहाँ पर भी लंब कितना 1 है, यहाँ पर आधार कितना है 1, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को भी कुछ कह सकते हो। लेकिन आप परफेक्ट नियम सीखिएगा, सी एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने वाला ये आपका लंब रहेगा और ये आधार रहेगा और ये आपका क्या रहेगा कर्ण। तो आप देखिएगा इसके लिए आपका लंब कितना है आपका 1, आधार भी कितना है आपका 1, तो 1/1 मतलब कि आपका 1, तो दैट योर आंसर आपका इतना हो गया 1। तो साइन ए और टेन सी का भी मान आपने निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है, देखिए देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू आपका समकोण है, कोण क्यू आप फिर लिख देते हैं, ये आपका क्यू दे देते हैं इसको, ये आपका 90 अंश है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आगे देखते हैं फिर त्रिभुज पी क्यू आर की बात हो रही है, तो इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं आर, इतनी बात तो आपको पहले स्टार्टिंग से समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको PR दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने तीनों भुजाएं दे रखी हैं, यदि तीनों भुजाएं क्वेश्चन में दे रखी हो तो पाइथागोरस प्रमेय हमें लगानी नहीं है, ये सबसे बढ़िया काम हो गया। अब देखते हैं किसका मान पूछा है, आपसे पूछा गया है कि cos P का मान निकालिए, tan P का मान निकालिए और cos R का मान निकालिए, तो ये आप कहोगे सर अब तो ये हम ही निकाल सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं, कुछ बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको उनके लिए भी आपका देखते हैं। तो आपको दे रखे स्टार्टिंग में क्या, त्रिभुज PQR में क्या दे रखा है, कोण Q आपका क्या है आपका समकोण है, या फिर ऐसा लिख दो कोण Q बराबर 90 डिग्री, और आपको दे रखा है PQ बराबर 4 सेंटीमीटर कोमा QR बराबर 3 सेंटीमीटर कोमा PR बराबर 5 सेंटीमीटर। ये वाला वर्क आप खुद भी लिख सकते हो स्टार्टिंग का। इसके बाद आपसे पूछा है कि आपको cos P, आगे tan P, और आपसे पूछा है कोस आर, इन तीनों के मान आपको निकालने हैं, आप कुछ भी मान पूछ सकता है इसमें से। अब देखते हैं आपने फिर आपने फॉर्मूला क्या सीखा था, लाल बटे कक्का, उससे फिर रिवीजन करते हैं बार बार, लाल बटे कक्का इसको हम इसलिए लिखते हैं बार बार जिससे आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और ये आपका प्रैक्टिस में आ जाए, और ये आप बार बार लिखिएगा जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आपको बताइए साइन कोस टेन, और इन्हीं का उल्टा होता है कोट सेक और कोसेक, इस तरीके से आपको समझ में आता है। आपको चाहिए क्या, कोस पी आपको क्या चाहिए आपको कोस, तो कोस के लिए आपका क्या होगा आधार बटे कर्ण, यहाँ पे लिखोगे आधार बटे कर्ण। टेन पी के लिए आप क्या लिखोगे, लंब बटे आधार,
कोस आर के लिए भी फिर लिखोगे आधार बटे कर्ण, ये तो सेम रहेगा क्योंकि आधार बटे कर्ण आधार बटे कोस की बात हो रही है। अब बात आती है किसकी, ये पी एंगल के लिए, किस एंगल के लिए आपका पी के लिए, ये भी आपका किसके लिए पी के लिए। तो पी एंगल आपका कौन सा, ये देखिएगा, ये आपका है पी कोण, इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब, ये आपकी आधार और ये आपकी कर्ण। अब तो परफेक्ट समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी से, इसके सामने वाली लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो इसके लिए आधार कितना है आपका चार, कर्ण कितने हैं आपके पास पाँच, ये आंसर। टेन पी, इसके लिए पी कोण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है पी कोण की बात हो रही है, इसके लिए लंब कितना होगा आपका तीन सेंटीमीटर और आधार कितना होगा आपका चार, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बात हो रही है कोस आर की, किसकी बात हो रही है कोस आर की, मतलब कि आर एंगल की, किस एंगल की बात हो रही है आर एंगल की। तो उसके लिए जो आपका लंब होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है आधार में, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका लंब में, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है लंब। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार कितना है आपके पास तीन सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना हो गया तीन, और आपको कर्ण चाहिए, कर्ण कितना है आपके पास पाँच, तो यहाँ पर लिख दोगे पाँच। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब देखिएगा इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, इस लेक्चर में बस सिक्स क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, वन से लेके सिक्स तक, जो आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे क्वेश्चन बताएंगे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा।